ट्रैफिक फ्लो डायरेक्शंस, वाटर फ्लो डायरेक्शंस और रेलवे क्रॉस लाइन के ऊपर कुछ इस टाइप का परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर्स है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम स्टैंडर्ड ब्रिज बोलते हैं। अगर यही हमारा स्ट्रक्चर कुछ एंगल में है तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम एस्क्यू स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। जब भी डिजाइनर एस्क्यू ब्रिज का डिजाइन करता है तो वह इसके आसपास के एनवायरमेंट में मिनिमम इम्पैक्ट आए इस टाइप का डिजाइन करता है। यह एस्क्यू स्ट्रक्चर्स ज्योमेट्रिक में काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है कंपैरिजन स्टैंडर्ड ब्रिज के। इस ब्रिज का हर एक कंपोनेंट जो है एस्क्यू में होता है, जिसकी वजह से साइट पे एंगल को सेट करते हुए कंस्ट्रक्ट करना काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। यह स्ट्रक्चर्स बनने के बाद इसके नीचे जो भी हमारा फ्लो हो रहा है वह काफी आसान हो जाता है। इसके बारे में और जानना है तो नीचे वीडियो है।